मोमिनपुरा के गार्डलाइन परिसर में गौ तस्करों द्वारा पुलिस सिपाही को अगवा किए जाने की घटना से हलचल मच गई है। तहसील पुलिस ने कामटी रोड ऑटोमोटिव चौक पर नाकाबंदी कर आरोपी को हिरासत में लिया है। तहसील थाने के तहत मोमिनपुरा स्थित गार्ड लाइन परिसर में गोवंश तस्करी में लिप्त अपराधियों ने पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए सिपाही को अगवा कर लिया। सिपाही द्वारा वायरलेस पर कंट्रोल रूम को सूचना दिए जाने के बाद पुलिस ने नाकाबंदी कर कामटी रोड के ऑटोमोटिव चौक पर आरोपी वाहन चालक को पकड़ा। सोमवार की रात हुई इस घटना से पुलिस ने आरोपी मोहम्मद सलीम मोहम्मद अनवर हंसापुरी खदान निवासी है, राजा मोहम्मद इस्माइल कुरैशी समेत उसके साथ 8 साथी फरार है। आरोपी सलीम और राजा गौवंश तस्करी में लिप्त हैं। सूत्रों के अनुसार वह शहर के अलग अलग इलाकों से गौवंश चोरी कर मोमिनपुरा में रखते हैं। मोमिनपुरा से गौवंश और उसके मांस की बिक्री की जाती है। मोमिनपुरा में कई स्थानों पर गौवंश तस्करों के अड्डे हैं। सोमवार रात 1 बजे तहसील थाने का सिपाही हितेश राठौर ने गाइडलाइन स्थित रेलवे कार्यालय के पास बुलेरो पिकअप क्रमांक MH49D6659 को जांच के लिए रोका। हितेश को बुलेरो में संदिग्ध हलचल दिखाई दी। बुलेरो की जांच करने पर उसे गौवंश दिखाई दिया। हितेश बुलेरो चालक से गौवंश और उसके साथियों के संबंध में पूछताछ करने लगा। उसने बुलेरो चालक सलीम को वाहन सहित तहसील थाने चलने को कहा। कार्रवाई की आशंका से सलीम ने घटना की जानकारी अपने साथी राजा को दी। राजा 7-8 साथियों के साथ तत्काल मौके पर पहुंच गया। उसने हितेश को धमकाते हुए वहां से चले जाने को कहा। राजा और उसके साथियों ने सलीम को बुलेरो लेकर भाग जाओ बोलने लगे। सलीम के फरार होने की आशंका को देखते हुए हितेश बुलेरो पर चढ़ गया। उसने चलने को इसी बीच सलीम ने बुलेरो तेजी से आगे बढ़ा दी। हितेश के ठहरने के लिए बोलने पर भी सलीम नहीं माना और उसने बुलेरो की गति तेज कर दी। वह हितेश को कामटी की दिशा में ले जाने लगा। अनहोनी की आशंका से रितेश ने पुलिस कंट्रोल रूम को घटना के बारे में सूचित किया। कंट्रोल रूम ने तत्काल सभी थानों को अलर्ट किया। कामटी मार्ग के ऑटोमोटिव चौक पर पुलिस ने नाकाबंदी कर बुलेरो को रोक लिया। सिपाही रितेश राठौर को मुक्त कराकर चालक सलीम को गिरफ्तार कर बुलेरो और गौवंश बरामद किया गया। तहसील पुलिस ने सलीम राजा और उसके साथियों के खिलाफ सरकारी काम में बाधा पहुंचाने अपहरण प्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। इन दिनों शहर में गौवंश तस्करों का आतंक काफी बढ़ गया है। उनके हौसले उफान पर है। गौ तस्करों के नाक में नकेल कसने के लिए पुलिस को कठोर कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। पुलिस की सख्ती के अभाव से वे काफी मजबूत हो रहे हैं। कुछ इलाकों में तस्करों का काफी दबदबा है। इस प्रकरण को पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने काफी गंभीरता से लिया। उन्होंने जोन 3 के DCP गौरव भामरे और तहसील पुलिस से प्रकरण का ब्यौरा लिया। उन्होंने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए। पुलिस उपनिरीक्षक परशुराम बोर पोस्टेत असले ते निम्नलिखित असून पोलीस स्टेशन येथील दाखल 380 गुन्हा माझ्याकडे तपासाला दिलेला आहे। सदर गुन्ह्यामध्ये रात्रीचे RTPC पेट्रोलिंग वाहन पेट्रोलिंग करत असताना त्यांना एक संशयास्पद वाहन दिसलं आणि त्यांनी गाईडलाईन या ठिकाणी वाहन थांबवलं असतं। त्यांना वाहनामध्ये अवैधरित्या गोवंश जनावरे बांधून ठेवलेली दिसून आली, त्यामुळे त्यांनी सदर वाहनाची झडती घेऊन वाहन पोलीस स्टेशनला घेऊन येत असताना हॉटेल पॅराडाईस सी रोड या ठिकाणी काही समानिक संघांमताने वाहन थांबवून त्यामधील गोवंश जनावरे खाली उतरवण्याचा प्रयत्न केला। त्यावेळेस वाहनामध्ये असलेले पोलीस सिपाही जितेश यांनी त्यांना विरोध केला, तेव्हा त्या वाहनाच्या चालकाने वाहन चालू करून निघून जात होता, त्यामुळे शिपाई हा वाहनाच्या पाठीमागे चढला आणि त्यांना पाठीमागून चालकांना गाडी थांबवण्याचा इशारा केला, पण त्यांनी गाडी न थांबवता तो भरधाव वेगाने निघून जात होता। त्यामुळे शिपायाकडे त्या RTPCकडे वाकडाकी होती, त्याने वाकडाकीहून पोलीस नियंत्रण कक्षाचे ते वायरलेसद्वारे माहिती दिली, त्यामुळे नागपूरच्या कपिलनगरच्या स्टाफने किंवा इतर स्टाफने सदर वाहन हे ॲटोमॅटिक चौक या ठिकाणी थांबवून त्याला वाहनातून खाली उतरून मुक्तता केली। त्याची सदर वाहन हा वाहनामध्ये एकूण 9 गोवंश जनावर होते। 90,000 तो माल होता आणि एक वाहन दोन लाख 90,000 मुद्देमाल जप्त आहे। वाहनाचा चालक होता मोहम्मद सलीम उर्फ मोहम्मद अनवर, हा राहणारा हबीब नगर टेका पाचपावली येथील राहणार आहे आणि ते पॅराडाईस हॉटेल येथे राजा आणि मोहम्मद इस्राईल असे व त्यांचे इतर साथीदार होते। त्यांनी वाहन उभा करून गोवंश जनावरे उतरवण्याचा प्रयत्न केला। ही जनावरे कुठून आणले आणि कुठे नेणार याबाबत आणखी तपास चालू आहे आणि याच्यामध्ये राजा मोहम्मद इस्राईल आणि त्याचे साथीदार हे आरोपी आहेत, त्यांचा शोध सुरू आहे। याच्यात मोहम्मद इस्राईल याचं रेकॉर्डेड आरोपी आहे, तो त्याच्यावर बरेच गुन्हे दाखल आहेत। NBCN न्यूज के लिए अखिलेश भारद्वाज के साथ माहिन पठान की रिपोर्ट।